नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। इस समय की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कैथल के बच्चों ने वुशु में चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। जो अभिभावक है, उनके परिजन है, वो उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस समय हम मैरीगोल्ड हाई स्कूल में मौजूद है, जहाँ पर बच्चों को सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनका सफ़र रहा, और इस सफ़र के दौरान जो आज इनको जीत हासिल हुई है, और आगे की इनकी क्या रणनीति होने वाली है, और कैथल ही नहीं हरियाणा के बच्चों के लिए आगे क्या कुछ जो कोच है वो करने वाले हैं, और आगे क्या कुछ और भी मेडल कैथल के नाम दर्ज हो सकते हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। वुशु खिलाड़ी कैथल पहुँचे हैं, यहाँ मैरी गोल्ड स्कूल में उनका स्वागत किया जा रहा है। समाज सेवी और सभी जो काफ़ी प्रिंसिपल यहाँ आए हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके पेरेंट्स भी हैं। और ये प्रतियोगिता 9 से 15 आपके हिमाचल मंडी में शुरू हुई थी, 22वीं सब जूनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप। उसमें कैथल का एक कांस्य पदक आया है, और जिसमें सवेरा नाम की स्टूडेंट जो है, इसको 5वीं बार नेशनल गई है। तो पीछे भी इसका कांस्य आया था, अब भी ये कांस्य पे है। सरकार हमारे क्या है, सरकार जैसे सब जूनियर को तो देती है 1.5 लाख रुपये गोल्ड पे, सिल्वर पे एक, और ब्रॉन्ज पे 50,000। सब जूनियर को देती है 2.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। नौकरी के लिए भी इसमें कुछ नहीं, नौकरी के लिए हमारे पास 13 कोच हैं, जिसमें यहाँ कैथल से रीता रानी है वुशु गवर्नमेंट कोच। पूरे इंडिया के अंदर वुशु के 13 कोच अपने हरियाणा के अंदर ही है। मेरा नाम सवेरा है। कांस्य पदक जीत के आए हैं, तो क्या कुछ रहा इस जो आपने प्रतियोगिता में, क्या कुछ रहा, किन का सामना आपने करना पड़ा? वहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स थी, मणिपुर था और केरला, ये सब थे। कितने राउंड में और किन किन से मुकाबला करना पड़े? ये हमारा इवेंट होता है, एक ही बार होता है ये। एक ही बार होता है, तो किन किन से मुकाबला हुआ था आपका? जो ये मणिपुर से हुआ और सब स्टेट से। अभी 22वीं जो सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता हुई है मंडी हिमाचल के अंदर, उसमें हमारे कैथल से, मेरे गवर्नमेंट वुशु ट्रेनिंग सेंटर इंडोर स्टेडियम है अंबाला रोड पे, 3 खिलाड़ियों ने वहाँ प्रतिस्पर्धा की, और 3 में से सवेरा ने जो है अपने इवेंट में कांस्य पदक जीता। उसने 3 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। एक बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी आए हुए थे, लगभग 1200 पूरे इंडिया से, और हर एक इवेंट के अंदर बहुत कड़ा मतलब प्रतियोगिता थी। बहुत मुश्किल से भी ये 3रा मेडल हमें प्राप्त हुआ है। प्रतियोगिता के लिए देखिए तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से की गई थी, लेकिन और भी स्टेट्स हैं जो नंबर 1 पे हैं, आ रहे हैं, जैसे मणिपुर है, और उनके साथ देखिए पूरे स्टेट के खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते हैं और स्कोरिंग के आधार पे इन्हें मेडल्स मिलते हैं। तो मणिपुर अव्वल नंबर पे रहता है इसमें, लेकिन हरियाणा के बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अगली बार के लिए और अच्छी तैयारी कराएंगे। हाँ, और सवेरा की बड़ी सिस्टर NCO भोपाल में ट्रेनिंग कर रही है, एक बार नेशनल मेडल जीत कर आई है, इंटरनेशनल मेडल जीत कर आई है। इस बार भी उसका जॉर्जिया इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया है। हाल ही में अगस्त में, 2 अगस्त से लेकर कुछ 10 अगस्त तक उसकी प्रतियोगिता होगी, उसके लिए कड़ी मेहनत उसके कोचेस करा रहे हैं। एक प्रेरणा स्रोत है हमारे बच्चों के लिए, कैथल के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि कैथल की खिलाड़ी एक इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीत रही है, और उसी की छोटी बहन नेशनल लेवल पर पदक जीत रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो कैथल के बच्चे कैथल वुशु संघ में? बच्चे पहले भी मेडल जीते आए हैं हरियाणा लेवल के ऊपर भी, स्टेट लेवल पर भी, इंटरनेशनल में। जो हमारे जिला के सेक्रेटरी हैं दीपक लोट जी, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और जो वुशु संघ की कोच है रितु मैडम, उनकी भी बहुत बड़ा समर्पण है। मैं जिला प्रधान होने के नाते समय समय पर हमारे बच्चे जब भी बाहर जाते हैं 1-2 मेडल जीत कर आते हैं, ये कैथल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, विशेषकर वुशु खेल के लिए। उन बच्चों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है पर इस फील्ड में आना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है कि बच्चे सुबह उठकर अनुशासन से अपना प्रदर्शन करें, नशों से बचें, और आज उज्जवल भविष्य है खेल के अंदर। हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी खेलों को बहुत महत्व दे रही है, आप देख भी रहे हैं। जब भी कोई भी खेल होता है, हरियाणा से सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश से आते हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। आज हमें पूरे कैथल जिला वासियों के लिए
बहुत सी उत्सव का दिन है कि हमारे शहर की बेटियां और बेटे नेशनल में विजयी होकर आए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले वुशु संघ के चेयरमैन प्रयागराज बालूजी, महासचिव दीपक लोड जी और उनकी कोच रीटा जी का और इनके माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ।